हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, चाउमीन बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक भगोना। भगोना में पानी को अच्छे से गर्म कर लें, जब पानी में बबल्स आना स्टार्ट हो जाए देन इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। नमक थोड़ा मैंने ज़्यादा रखा है। 1 टीस्पून तेल डालेंगे। जब नमक अच्छे से घुल जाए पानी में देन इसमें मैंने ऐड किया है 300 ग्राम चाउमीन। चाउमीन को थोड़ा स्टर कर लेंगे। आपको चाउमीन उबालते समय सिर्फ चाउमीन पर ही ध्यान देना है, ना कि कोई और काम करेंगे। अगर चाउमीन को थोड़ा सा भी छोड़िएगा चाउमीन ओवर कुक हो जाएगा, इसलिए चाउमीन को बार बार बीच बीच में से स्टर करते रहें। और चाउमीन को 80% ही कुक करना है। इधर आप देख सकते हैं चाउमीन इधर पक चुका है। चाउमीन को देख सक एक बार मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से चाउमीन एकदम स्ट्रेचेबल होना चाहिए और ईजिली कट जाना चाहिए। देख सकते हैं 80% ही कुक हुआ है। और फटाफट एक बड़े से बर्तन में इसे ठंडे पानी से वॉश करेंगे। मैंने चाउमीन को 2 बार एकदम ठंडे ठंडे पानी से वॉश किया है, जिससे इसके अंदर जो हीट है वह ओवर कुक होना बंद हो जाए। ये देख सकते हैं चाउमीन एकदम खिला खिला बना है। और मैंने एक बड़ा सा परात लिया है और सारे चाउमीन को अच्छे से फैला लेंगे। और इन चाउमीन को थोड़ा अलग अलग करेंगे हाथों की सहायता से। देख सकते हैं चाउमीन एकदम अलग अलग हो चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब चाउमीन बनाना स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसके लिए मैंने लिया है एकदम जुलियन साइज कटी हुए पत्ता गोभी, जुलियन साइज कटी हुए 2 प्याज, चॉप्ड कटी हुई हरी मिर्च। और एक मैंने कढ़ाई को गर्म किया है। जब कढ़ाई पूरा हॉट गर्म हो जाए देन इसमें ऐड करेंगे 3 टीस्पून रिफाइंड ऑयल, 1 टीस्पून लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई मैंने लहसुन ऐड किया है, 4 से 5 हरी मिर्च मैंने ऐड किया है बारीक कटी हुई। और अच्छे से इन सभी को स्टर फ्राई करेंगे। देन इसमें मैंने ऐड किया है प्याज और बारीक कटी हुई पत्ते गोभी। इन सभी को 60 सेकंड तक अच्छे से स्टर फ्राई करेंगे और बीच बीच में से मिक्स भी करते रहेंगे। फ्लेम एकदम हाई होना चाहिए, हाई फ्लेम पर बनाएंगे जिससे बहुत ही अच्छा सोना सोना फ्लेवर आएगा। इधर आप देख सकते हैं 1 चुटकी मैंने नमक छिड़का है, 1/2 टीस्पून सोया सॉस ऐड किया है मैंने, 1/2 टीस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। एक बार फिर से नूडल को देख सकते हैं एकदम खिले खिले हैं और सभी नूडल्स को ऐड कर देंगे बारी बारी से। नूडल को थोड़ा फैला कर डालेंगे जिससे दोनों चिपके नहीं। देन इसमें मैंने ऐड किया है 2 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। और एक बार फिर से मैंने 1/2 टीस्पून सोया सॉस और 2 टीस्पून चिली सॉस। इसी प्रोसेस के साथ आपको ही बनाना है और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। देन इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। धीरे धीरे अच्छे से मिक्स करते रहिए जब तक अच्छे से सारे सॉस एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए। इधर आप देख सकते हैं हमारा चाउमीन रेडी हो चुका है। यह चाउमीन मेरी मम्मी का फेवरेट नूडल्स है। मेरी मम्मी को यह नूडल बहुत पसंद है क्योंकि ये थोड़ा पतले वाले नूडल्स हैं इस वजह से। चलिए फ्रेंड्स, इसको अब प्लेटिंग कर लेते हैं। एक प्लेट में मैंने नूडल्स को निकाल लिया है और ऊपर से थोड़ा सा मैंने चाट मसाला छिड़क लिया है। अगर आपको टोमेटो सॉस पसंद है तो टोमेटो सॉस भी ऐड कर सकते हैं। प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।